हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डू एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एसक्यूएल की टेबल के क्रिएशन के टाइम पर या एसक्यूएल टेबल के अल्टरेशन के टाइम पर उनके फील्ड्स पर अप्लाई किया जाता है, राइट? तो कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रेंट आर डिफाइंड एज द चेक्स और कंडीशंस डेट आर अप्लाइड टू द कॉलम्स और फील्ड्स ऑफ द टेबल। तो वो रूल्स हैं, वो कंडीशंस हैं जो अप्लाई किए जाते हैं कहाँ पर? टेबल के कॉलम्स पर, राइट? टू लिमिट द टाइप ऑफ द डेटा डेट वी आर एंटरिंग, कि किस टाइप का डेटा हम एंटर करना चाहते हैं, हम डुप्लीकेट डेटा एंटर करना चाहते हैं या नहीं, हम नल डेटा एंटर करना चाहते हैं या नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स को एसक्यूएल की टेबल के फील्ड्स पर लगाया जाता है, ओके? द कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी आर आल्सो नोन एज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट का मेन रूल क्या, मेन जो यूज़ है वो क्या है? डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, फाइन? डेट्स वाई एसक्यूएल कंस्ट्रेंट को आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। Now, constraints can be specified when the table is created with the create table statement. अब constraint को आप कहाँ कहाँ use कर सकते हो, कैसे apply कर सकते हो? जब आप table को create करते हो तब आप constraints को table के ऊपर apply कर सकते हो, और after the table is created with the alter table statement, या फिर table create हो चुकी है तो आप alter table statement के साथ constraint को apply कर सकते हो table के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल फोकस ऑन द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम यहाँ पर नॉट नल, यूनिक एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, ओके? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड देती हूँ शो डेटा बेसिस, राइट? आपके पास सारे डेटा बेस आ गए हैं, तो इनमें से हम कोई भी एक डेटा बेस यूज़ कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया MyDB, फाइन, ओके। नाउ वी विल क्रिएट अ टेबल। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करते हैं। पहले इसमें टेबल देख लेते हैं MyDB में कौन सी टेबल है। शो टेबल्स, तो स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट करती हूँ। क्रिएट टेबल स्टूड, राइट? मैंने स्टूड नेम ले लिया टेबल का। इसमें मैं ले लेती हूँ रोल नंबर, रोल नंबर आपने इंट ले लिया, ओके। नेक्स्ट फील्ड में ले लेती हूँ स्टूडेंट नेम, ओके, उसको हम ले लेते हैं वेयर केयर 30, ओके। एंड देन वी आर टेकिंग मार्क्स, मार्क्स हम ले लेते हैं फ्लोट। सो वी हैव क्रिएटेड वन टेबल हेयर, ठीक है? हमने एक टेबल क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पे टेबल क्यों क्रिएट किया है? मैंने टेबल इसलिए क्रिएट किया है कि मैं आपको बता सकूँ कि बाय डिफॉल्ट आप एक टेबल के अंदर नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो और डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो, ओके? बाय डिफॉल्ट आर टेबल कैन कंटेन नल वैल्यूज एज वेल एज डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट? तो यहाँ पे हम इसके अंदर डेटा डालते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज, ओके। रोल नंबर 1 ले लिया हमने, ओके। एंड यहाँ पे आपने नेम ले लो रोहन, फाइन। एंड आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ, और नेम आपने, सॉरी, मार्क्स ले लिया आपने 90, फाइन, ओके। अब मैं इसको फिर से, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, डेटा को डुप्लीकेट कर रही हूँ। ये जो मैंने एक रिकॉर्ड पहले इंसर्ट किया था इसको मैं दोबारा से इंसर्ट कर रही हूँ। हो गया इंसर्ट। अगर मैं करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, ठीक है? अब देखो सेम रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं, डुप्लीकेट डेटा ये ले रही है टेबल। तो आप कंस्ट्रेंट क्यों यूज़ करते हो? जिससे कि आप इस डुप्लीकेशन को इस रोक सको, ठीक है? रिडंडेंसी को आप रोक सको, ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट देखो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा यहाँ पे हो रहा है। सेकंड मैं क्या करती हूँ, अगर मैं किसी फील्ड को क्या करना चाहती हूँ, नल छोड़ना चाहती हूँ, वो भी मैं कर सकती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूड। स्टूड में मैंने ले लिया एस नेम, ओके, एंड मार्क्स, दो इसके अंदर फील्ड्स ले लिए। वैल्यूज मैंने नेम यहाँ पे ले लिया,
नेहा फाइन, और मैक्स मैंने यहाँ पे ले लिए 80। ठीक है, हो गई रो इंसर्ट। अगर आप करते हो अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, देखो नल वैल्यू भी आ गई है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट एक टेबल नल वैल्यू भी लेती है, आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो और डुप्लीकेट डेटा भी आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी यहाँ पे कि आप कैसे नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ करके नल वैल्यूज़ को अवॉइड कर सकते हो। अभी तो इजीली वो नल वैल्यूज़ ले रही है टेबल आपकी, राइट, लेकिन अगर आप क्या करते हो नॉट नल कंस्ट्रेंट को किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर शो कर देगा, राइट। तो हम अपना क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएशन के टाइम पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया सी आर ए टी ई क्रिएट टेबल स्टूड वन, राइट। मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, रोल नंबर इंट नॉट नल, फाइन। मैंने रोल नंबर फील्ड पे लगा दिया नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, आप एक से ज़्यादा फील्ड पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड पे आप लगा सकते हो, एक ही कॉलम पे लगा सकते हो, एक से ज़्यादा कितने भी कॉलम पे आप चाहो वह उस उतने कॉलम्स में आप नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेर केयर ले लेते हैं, वेर केयर इसको मैंने ले लिया 30। ओके, एंड देन मार्क्स फ्लोट, राइट। आपने टेबल क्रिएट किए हैं यहाँ पे स्टूड वन। ओके, अब इसके अंदर डेटा हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूड वन वैल्यूज। ओके, फर्स्ट आपने रोल नंबर वन ले लिया, देन आपने यहाँ पे ले लिया रोहन, एंड मार्क्स ले लिया आपने 80, फाइन। सेकंड एस नेम एंड मार्क्स वैल्यूज, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ वन को हटा देती हूँ एंड यहाँ पे ले लिया मैंने नेहा और मार्क्स ले लिए 90। ओके, तो यहाँ इस लाइन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं रोल नंबर कॉलम जो मैंने नॉट नल स्पेसिफाई किया है, राइट, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ। ओके, अर्लियर जब हमने ऐसा किया था तो टेबल ने नल वैल्यू को एक्सेप्ट किया था, राइट, नल इसको एम्प्टी हम छोड़ सकते थे। अब हमने क्या किया, नॉट नल कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया, अब देखो क्या होगा, एरर आएगी। मैं इसको जब एंटर करूँगी, देखो यहाँ पे क्या आई है आपकी एरर, रोल फील्ड रोल नंबर डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। ये क्या कह रहा है, या तो आप रोल नंबर कॉलम को एक डिफॉल्ट वैल्यू दो। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, अगर आप फील्ड को एम्प्टी छोड़ते हो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है, फाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको इस फील्ड को वैल्यू देनी ही देनी है, अदरवाइज एरर आ जाएगी, फाइन। तो अगर देखो, अगर आप इसमें नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, इंसर्ट इनटू स्टूड वन, ओके, स्टूड वन वैल्यूज, स्टूड वन मैं कॉलम रोल नंबर ले लेती हूँ, रोल नंबर को आप वैकेंट नहीं छोड़ सकते, रोल नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने ले लिया एस नेम, एस नेम, फाइन, वैल्यूज, और रोल नंबर में आपने 2 दे दिया और नेम में आपने दे दिया नेहा, फाइन। देखो अब इसने रिकॉर्ड ले लिया, क्यों, क्योंकि जो हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था वो रोल नंबर कॉलम के ऊपर किया था, राइट। अब अगर आप अपनी टेबल को देखते हो, सिलेक्ट राइट स्टार फ्रॉम स्टूड वन, तो आ गया है मार्क्स कॉलम में ये नल वैल्यू ले रहा है, बट रोल नंबर में यह है ये नल वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर आप किसी कॉलम पे अप्लाई करते हो, किसी फील्ड पे अप्लाई करते हो, तो वो फील्ड नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, फाइन। नेक्स्ट वी हैव यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या होता है, जब आप किसी टेबल के कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो तो वो कॉलम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करता है, आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर लिया क्रिएट टेबल स्टूड टू, राइट, रोल नंबर
int sname varchar 30 ले लो और इसको हम कर देते हैं यूनिक, इसको हमने कर दिया यूनिक, मार्क्स फ्लोट, फाइन ओके। हमने क्या किया है, एस नेम कॉलम को यूनिक अप्लाई कर दिया, यूनिक कंस्ट्रेंट एस नेम कॉलम पे अप्लाई कर दिया, राइट। अब आप अगर इंसर्ट करते हो, इंसर्ट इनटू स्टूड टू वैल्यूज, ओके वन, देन मैंने दे दिया नेम रीता एंड मार्क्स दे दी मैंने 70, फाइन ओके। ओहो सेमी कॉलन, अभी एरर आ जाएगी आपकी बिकॉज ठीक है, वैल्यू इंसर्ट हो गई है, फाइन। अब क्या करना है आपको, मैंने अगर अगेन यही सेम वैल्यू इंसर्ट करनी चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू सेम इंसर्ट नहीं होगी क्योंकि रीता रीता आप कॉलम के अंदर सेम नहीं ले सकते। अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ, देखो आ गया डुप्लीकेट एंट्री रीता फॉर द की टू टू एस नेम, आप नहीं कर सकते, फाइन। लेकिन अगर आप सेम वैल्यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया वन, वन ही रहने दिया, और यहाँ पे मैंने रोहन कर दिया, लेट अस सपोज नेम मैंने चेंज कर दिया, ओके, और मैंने मार्क्स कर दिए 80, फाइन। इस केस में क्या होगा, जो आपका फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, वो भी डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर सकता है और मार्क्स भी, लेकिन एस नेम नहीं कर सकता। अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ, देखो डेटा उसने ले लिया है, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू, राइट आ गया। देखो रोल नंबर कॉलम में भी डुप्लीकेट वैल्यूज है, मार्क्स कॉलम में भी डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन एस नेम जो आपका कॉलम है वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, फाइन। नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर आप किसी टेबल पे, टेबल की कॉलम पे अप्लाई करते हो तो वो उस टेबल का प्राइमरी की बन जाता है, और आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करती है और नल वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूड थ्री, ओके, इसमें अगेन रोल नंबर आपने ले लिया, इंट प्राइमरी की, फाइन, देन एस नेम वेर केयर ले लो, वेर केयर 30, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे मार्क्स फ्लोट, फाइन। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई है, ओके। नाउ वी विल इंसर्ट द डेटा, इंसर्ट इनटू स्टूड थ्री वैल्यूज, राइट, रोल नंबर वन, ओके, नेम रोहन एंड मार्क्स आपने दे दिया 90, फाइन ओके। अगर मैं चाहूँ, मैं चाहती हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एंटर करना, फाइन, तो मैंने क्या, मैं क्या कर रही हूँ, प्राइमरी की कॉलम के अंदर वन को फिर से इंसर्ट कर रही हूँ, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखो अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ, एरर आ गया है, डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर द की स्टूड प्राइमरी, राइट, तो आपका रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है, आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते, ओके। अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से वन को हटा के टू कर देती हूँ, फाइन, और लेट अस सपोज अगर मैं नेम सेम रहने देती हूँ और मैं मार्क्स भी सेम रहने देती हूँ, तो क्या ये एंटर करेगा, येस एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर है आपका प्राइमरी की, उसमें आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते। देखो आगे वैल्यू, राइट, अगर आप यहाँ पे करते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड थ्री, डेटा आ रहा है, बस प्राइमरी की के अंदर आप डुप्लीकेट डेटा को नहीं डाल सकते, ओके। सेम वे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूड थ्री, क्या ले लिया मैंने, एस नेम, ओके, और मार्क्स वैल्यूज,
तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्राइमरी की को नल वैल्यू देने की कोशिश कर रही हूँ, जो वो नहीं लेगा एरर आएगी, आई एम शोइंग यू डैट एरर। ठीक है, मैंने नेम में ले लिया पूजा, एन मार्क्स ले लिए 70। अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूँगी ठीक है, तो क्या होगा, मेरी एरर आएगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ गई, फील्ड रोल नंबर डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, या तो उसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर आप फील्ड को वैकेंट छोड़ते हो, एम्प्टी छोड़ते हो, तो उसके प्लेस पे डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है, नल वैल्यू के प्लेस पे, राइट। तो यहाँ पे हमारी रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी, फाइन। लेकिन अगर मैं करती हूँ इंसर्ट इनटू स्टूड 3 रोल नंबर एस नेम वैल्यूज, रोल नंबर में मैंने 2 दिया क्योंकि डुप्लीकेट डेटा नहीं दे सकते, पहले हमने क्या दिया था, 1 दिया था, ओके। एंड देन आप नेम दे दो टीना, अब देखो 2 आपने दिया हुआ है इसके अंदर, आई थिंक आपने स्टूड में, हाँ 2 दिया हुआ है, आपने 2 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो आपका मार्क्स में तो नल आ गया है, बट आपका रोल नंबर कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका रोल नंबर कॉलम क्या है, आपका प्राइमरी की कॉलम है, फाइन। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।